बहुत बहुत बधाई इस शानदार लिस्टिंग के लिए. आपका क्या कहना है और ये जानना चाहेंगे कि ये जो जर्नी रही है वो कैसी रही है? इंडो जर्नी बहुत अच्छी रही है. इट्स बीन 20 मंथ्स जब हमने स्टार्ट किया और एक ही अप्रोच से स्टार्ट किया था कि जो सबसे छोटा रिटेल इन्वेस्टर है और जो फिनेंशियल मार्केट या कैपिटल मार्केट को अप्रोच नहीं कर पा रहा है वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, जिसके लिए इन्वेस्टिंग सबसे सिंपल हो और सबसे ज़्यादा सस्ता हो. तो इस एक अप्रोच के साथ में, इसी एक ऑब्जेक्टिव के साथ में हमने स्टार्ट किया था और बहुत अच्छा लगता है जब ऑलमोस्ट 1.5-2 साल की जर्नी के बाद आपको लगता है कि वो जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका अचीव हो रहा है. और जितना रिटेल पार्टिसिपेशन हम देख रहे हैं उससे हमको और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है कि और मेहनत करें आगे. तो ओवरऑल जर्नी अभी तक 18 महीने की बहुत अच्छी रही है. लिस्टिंग हुई है, अच्छी लिस्टिंग हुई है. बस ये जानना चाहेंगे कि अब आगे का क्या प्लान है, कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है? अब आगे के प्लान्स तो वैसे ही हैं, बिकॉज अभी हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे इसको और ग्रो किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमरों को हमारे प्लेटफॉर्म पे लाया जाए. टेक्नोलॉजी में हम बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हमारी एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है वो एक समथिंग हमारा एक मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा. अभी उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करें सो दैट यदि कोई भी कस्टमर, उसको यदि किसी भी कारण से कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो, वो भले म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स हो, इंश्योरेंस हो, लोन्स हो, तो वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आए और वो बहुत आसानी से उस चीज़ कर सके. तो ये ऑब्जेक्टिव है और इसी ऑब्जेक्टिव को लेके अभी हम आगे और मेहनत करेंगे और कंपनी को और बढ़ाएंगे. ऑल द बेस्ट आगे के लिए, अपने फ्यूचर प्लान्स के लिए. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच.